रेसलर्स को लेकर सवाल पूछा गया जब कहा गया कि पहलवान खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट चल रहा है, पहलवान खिलाड़ियों पर आप क्या कुछ कहेंगी, तो इस बात को सुनने के बाद मीनाक्षी लेखी भाग चुकी। जी हां, मीनाक्षी लेखी ने भागना शुरू कर दिया। मीनाक्षी लेखी के चेहरे पर डर दिखा और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी के हर एक नेता को ब्रजभूषण शरण सिंह से डर है। आखिर ये डर क्यों है, ये सवाल उठ रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स में। दर्शकों, आपको बता दें कि मीनाक्षी लेखी की इस प्रतिक्रिया को देखकर, इस वीडियो को देखकर हर एक बीजेपी नेता के जो है चेहरे को सवाल खड़ा किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि हर एक नेता को जो है ब्रजभूषण शरण सिंह से डर है, इसलिए चुप्पी नहीं तोड़ी जा रही है। मीनाक्षी लेखी की इस वीडियो को देखिए जिसमें आपको वो भागती हुई नजर आएंगी, पत्रकार को इग्नोर करती हुई नजर आएंगी। मैम रेसलर्स बैठे हैं उनके लिए क्या कहेंगी? मैम रेसलर्स अपने मेडल बहाने जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? चलो मैम, रेसलर्स अपने मेडल बहा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? कानून नियम प्रक्रिया चल रही है मैम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, प्रधानमंत्री कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, महिला सांसद हो। मैम, महिला सांसद होकर आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि बीजेपी पार्टी आखिर क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह पर चुप्पी नहीं तोड़ रही है। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि मीनाक्षी लेखी सहित तमाम महिला नेताओं को ऐसे आदेश दिए गए हैं कि आपको जो है रेसलर्स के समर्थन में नहीं उतरना है, रेसलर्स पर जो है चुप्पी नहीं तोड़नी है। मीनाक्षी लेखी सहित स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, तमाम महिला नेताओं पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि यही हकीकत है, यही जुमलेबाजी है। मीनाक्षी लेखी की इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या कुछ लगता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स।